नाटिका भारी पत्थर। नमस्ते चवन्नीलाल जी, नमस्ते। मैंने कहा चवन्नीलाल जी गुड मॉर्निंग। ओ यार ओए, सवेरे सवेरे तुम्हें गुड मॉर्निंग के सिवा कोई काम नहीं है क्या? लो, अरे भाई तुम भी हद करते हो, ये भी कोई बात हुई? अरे भाई तुम नजर आ गए तो तुमसे कर दी। अच्छा हा? तो अब मैं नजर भी ना आऊं क्या? बुर्का पहन लूं, कंबल डाल लूं अपने ऊपर? यार यार तुम तो खामखा बिगड़ रहे हो भाई। मैंने ऐसा तो तुमसे कुछ नहीं कहा। लो अब कहते है कहा ही नहीं, ओए गुड मॉर्निंग नहीं की सुबह। अच्छा भाई अगर तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो आइंदा नहीं करूंगा। बस हाँ बस हाँ। सुबह सुबह दातन करने में मजा आता है ना? ओए मैं दातन कर रहा हूँ दांत साफ करने के लिए, कोई पक्का राग नहीं गा रहा जो मुझे मजा आए। तो वैसे चौधरी जब दातन करते हुए खखारते हो तो लगता यूं ही है जैसे राग माल कोस गा रहे हो। देख बिहारी मुंह संभाल कर बात करा कह देता हूँ। अरे अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया भाई जिसकी वजह से तू इतना बिगड़ रहा है? भाई तूने मेरे खंगारने को राग माल कोस कह दिया। कोई और राग कहना चाहिए था। आज के बाद मेरे खंगारने को तूने कोई भी राग कहा तो मैं सीधा कर दूंगा तुम्हें। वैसे यार चवन्नी तू भी शरीफ आदमियों की तरह अपने दांत अपने गुसल खाने में साफ क्यों नहीं करता? तुम कौन होते हो मुझे टोकना? भाई मैं कौन होता हूँ भाई, मैंने तो तुझे समझाने के लिए कहा है। तुझे मजा आता है मेरी बात में टांग अड़ाकर? मुझे क्यों मजा आएगा? अरे भाई मेरी तरफ से तू कुएं में छलांग लगा ले, मुझे क्या? तू तो चाहता है कि मैं कुएं में छलांग लगा दूं ताकि तू मोहल्ले का अकेला लीडर बना फिरे। लेकिन मैं कुएं में छलांग नहीं लगाऊंगा। एक बात मानता हूँ चवन्नी। क्या? लड़ना तो कोई तुझसे सीखे। और तुम समझते हो मैंने लड़ाई सिखाने का स्कूल खोल रखा? मैं तो यही समझता हूँ। किसी से अपने खानदान की हिस्ट्री पूछ बिहारी। तेरे बाप की आदत थी लोगों को लड़वाते रहना है? दूर क्यों जाते हो? तेरे बाप ने तो मेरी और मेरे बाप की लड़ाई करवा दी। भाई तुम लोग उसके बहकावे में क्यों आ गए? ना लड़ते। अरे लड़ते कैसे नहीं, तेरे बाप का आग लगाने का तरीका ऐसा था कि एक दफा जल जाए तो फिर आसानी से बुझती नहीं थी वो आग। अरे हम दोनों किस खेत की मूली थे। अच्छा अच्छा चल यार, अब ना रहा तेरा बाप ना मेरा बाप तो फिर लड़ाई किस बात की? और मैं आसानी से इन बातों को भूला नहीं करता। अच्छा चवन्नी एक याद है जब तू मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था तो हिस्ट्री तो तू फौरन भूल जाता था। ये तो तुझे कभी याद ही नहीं हुआ कि सिकंदर ने हिंदुस्तान पर किस साल हमला किया, लेकिन मेरे बाप की हिस्ट्री तो तुझे ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो। ओए बिहारी उसका लगाया हुआ जख्म जब तक भर न जाए कैसे भूल जाऊं? भाई किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा वो तेरे जख्म का इलाज कर देगा। मैं क्यों भरूं अपना जख्म? मैं तो तुम्हारी छाती पर उतना ही गहरा जख्म लगाकर दम लूंगा। जानते हो जिस जमीन पर तू कुर्सी डालकर बैठा है ना, ये मैं खरीद रहा था। मैं ये जमीन? हाँ ये जमीन। लेकिन जवानी मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। अरे भाई अगर तू खरीदना चाहता था तो मुझसे पहले खरीद लेता। और कैसे खरीद लेता, पैसे नहीं थे मेरे पास। मेरा कसूर क्यों बता रहे हो भाई? कसूर सरासर तुम्हारा है। तुम ये प्लॉट कुछ दिन ना खरीदते तो मैंने पैसों का इंतजाम कर लेना था। तुमको मुझे कह देना चाहिए था। तो कहने का फायदा क्या, तुम जिस बाप की औलाद हो उसे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चवन्नी लगता है मेरे बाप से तुम बहुत नाराज हो। ये तो उस दिन पता चलेगा बेटा जब उसकी मेरी नर्क में मुलाकात हो। अच्छा अच्छा तो तुम मरने के बाद नर्क में जाने का इरादा रखते हो? क्या करूं जाना ही पड़ेगा, तुम्हारा बाप जो वहाँ है। तुम खामखा मेरे बाप को कोस रहे हो। मेरा बाप तो हमेशा तुम्हारा भला चाहता था। अरे याद है जब दाखिले के फॉर्म भरे जा रहे थे तो तुम्हारे पास पैसे नहीं थे,
मैंने जब अपने वालिद से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने दाखिला दे दिया था, याद है ना? याद है, याद है। और मुझे भी ये भी याद है कि उसने दाखिला दिया क्यों था। हाँ, क्यों दिया था? ताकि मैं मैट्रिक करके क्लर्क बन जाऊं। जानते हो, अगर मैं मैट्रिक पास ना करता तो मैंने ट्रक चलाना था। तेरे बाप ने मुझे मरवा दिया बिहारी, वरना आज मैं अमीर आदमी होता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तू पुरानी बातें भूल जाए हैं और हमारी तुम्हारी दोस्ती हो जाए? यार देख, हम एक ही मोहल्ले में रहते हैं, पड़ोसी हैं भाई, हमें तो दोस्त बनकर रहना चाहिए। हाँ अच्छा, ला बड़ा मेरी तरफ दोस्ती का हाथ, बड़ा। मैं जब भी तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ बीच में तुम्हारा दादा आ खड़ा होता है। क्या कहता है? अब उसने क्या कहना है, वो तो कब का मर खप गया, लेकिन जब जिंदा था तो उसने मेरे खानदान को बहुत परेशान किया। अरे हमारी भैंस को उसने कुछ ऐसी घास खिला दी थी कि उसने दूध देना ही बंद कर दिया। यार चवन्नी, तुम्हें क्या पता कि भैंस ने दूध देना इसलिए बंद किया कि उसे मेरे दादा ने घास खिला दी थी? हमें खुद भैंस ने बताया। हम पूछते थे कि भैंस भैंस तू दूध क्यों नहीं देती, तो वो तुम्हारे दादा की तरफ इस तरह देखती थी जैसे कह रही हो कि मुझसे क्या पूछते हो, मालिको उस बुड्ढे से पूछो ना। अच्छा यार चवन्नी, देख गोली मार पिछली बातों को, आजा हम चाय पीते हैं। मैं क्यों पीऊं तेरी चाय? आप क्यों कह रहे हैं उनको चाय पीने को? ये हमारे पड़ोसी नहीं है, ये हमारे दुश्मन है। कमला क्यों इल्जाम लगा रही हो, हम तुम्हारे दुश्मन कैसे हो गए बहन? क्यों, मैंने तुम्हें कहा नहीं कि हमें मीट खाना अच्छा नहीं लगता? फिर भी मुझे पता है तुम लोग खाते हो। खाते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर खाते हैं। कभी तुम्हें खाने को नहीं कहा, कभी तुम्हारे घर में हड्डी नहीं फेंकी। हाँ, हड्डियाँ फेंकोगी तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ नहीं तोड़ दूंगी। जब मैं तुम्हें कुछ कहती ही नहीं तो तुम मुझ पर बिगड़ क्यों रही हो? इसलिए कि तुम इसलिए नहीं कहती हो कि तुम्हारे दिल में खोट है। लो भाई, मेरे दिल में खोट कहाँ से आ गया? तेरी सास ने तुझे सिखाया था बेईमानी करना। लो, हमने तेरे साथ क्या बेईमानी की है? हमने तेरे साथ हमेशा मोहब्बत भरा सलूक किया है। मेरे लड़के की शादी हुई थी तो मेरी सास ने खास तौर पे मुझसे कहा था कि बिमला जा, सबसे पहले लड्डू कमला के घर देकर आ। मैं खुद गिनकर 20 लड्डू तुम्हें देकर आई थी। हाँ, गिनती तो लड्डुओं की तुझे याद रह गई, लेकिन साइज भूल गई। नहीं तो, अरे इतना छोटा लड्डू मैंने ना उससे पहले देखा था ना उसके बाद देखा है। तुम्हारे 20 लड्डुओं को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 2 लड्डू बनेंगे ढंग के। कमला बहन, लड्डुओं का साइज नहीं देखा जाता, देखा ये जाता है कि किस प्यार से दिए गए हैं। अरे जिनके लड्डू छोटे होते हैं वो प्यार का नाम लेकर उनका साइज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कमला, मैंने तुझे हमेशा अपनी छोटी बहन समझा है। याद है एक दिन तुम लोग देर से आए थे तो मैंने अपने घर से तरकारी भिजवाई थी, बच जो गई थी। अरे हमें ना भेजती तो बाहर फेंकनी पड़ती। मेरा लड़का हमेशा अपने नोट्स तेरे लड़के को देता रहा है ताकि वो बेचारा पास हो जाए। उन्हीं नोट्सों की वजह से तो उसकी 3rd division आई थी। पर मेरे लड़के की तो 1st division आई थी। अरे उसने खुद किसी अच्छे लड़के के नोट्स पढ़े होंगे। अरे अपने पढ़ता तो उसकी भी 3rd division आती। अरे भाई ये लोग हमारे पड़ोसी हैं, हमारा इनसे कई साल का नाता है। अच्छा अच्छा, एक काम करो, जाओ तुम चाय ले आओ, आज हम इनको चाय पिलाएंगे। चाय लाती है मेरी जूती और पीती है हमारी जूती। चवन्नी चवन्नी यार, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग अपने पुराने झगड़े भूल कर हमेशा के लिए दोस्त बन जाए, लेकिन तू यार फिर बात को बढ़ा देता है। और मैं क्या करूँ, हमारी दोस्ती की राह में कभी तेरी बीवी आ खड़ी होती है और कभी तुम्हारा बाप, और जब मैं इन दोनों की तरफ से मुंह मोड़ लेता हूँ तो फिर तुम्हारा दादा मैदान। अपना नहीं पता,
पहले तो हमारे सामने अपनी बददिमाग बीवी खड़ी कर देते हो, जिसने जिंदगी भर अपनी सास से कुछ सीखा हो या नहीं, लेकिन गालियाँ देने में पूरी ट्रेनिंग हासिल की है। ऐसे हालात में आपके साथ दोस्ती हो तो कैसे हो? तो मैं जानता हूँ आप दोनों परिवारों में दोस्ती कैसे हो सकती है। ओ बाबा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। बाबा जी आप कब आए? अरे भाई काफी देर हो गई है। लेकिन हमने तो आपको देखा नहीं। आप एक ज्यादा जरूरी काम में लगे हुए थे, आप एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे। बाबा जी आपने तो देखा ही होगा कि मैं झगड़े को बढ़ाने की बजाय बंद करवाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तेरा वकील जो तेरी तरफ से लड़ रहा था। मेरा वकील? कौन मेरा वकील? तेरी बीवी श्रीमती कमला देवी। लेकिन बाबा जी आपने तो सुना होगा, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की जिससे झगड़ा बढ़े। हाँ तू तो कुछ नहीं बोली। हाँ जी। लेकिन तेरा भी वकील लगा हुआ था श्री चवन्नी लाल। बाबा जी आपकी बात तो पूरा मोहल्ला मानता है। देखिए आप ही चवन्नी को समझाइए ना। मैं इसीलिए तो आया हूँ। हाँ भैया इधर रख दो। हाँ देखा 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 हाथ बजा के। अरे किसी को लग ना जाए। शाबाश। हाँ हाँ यहाँ रख दो, यहाँ रख दो। चलो अब तुम लोग जाओ। बाबा जी ये क्या है? अरे चवन्नी के दादा ने 25 साल पहले क्या किया ये तो तुम्हें नजर आ रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा कि ये क्या है। ये एक बहुत भारी पत्थर है। लेकिन बाबा जी आप इसे यहाँ क्यों रखवा रहे हैं? अरे मैं चाहता हूँ कि आप दोनों परिवार आपस में सुलह कर लें और मिलजुल कर रहें। लेकिन ये पत्थर इस सिलसिले में क्या मदद करेगा? मैं देख रहा हूँ कि आपके झगड़े में गुजरे हुए जमाने का बहुत जिक्र है। तेरे बाप ने क्या कहा था और तेरी सास ने क्या कहा था? अरे इसीलिए तो मैं ये भारी पत्थर उठा कर लाया हूँ। समझ लीजिए आपने अपने पुराने झगड़े इस पत्थर के नीचे दबा दिए हैं। जब तक ये पत्थर यहाँ रहेगा कोई ये बात नहीं करेगा कि आज से 25 साल पहले क्या हुआ था। है ठीक? बिल्कुल ठीक। तुम अपनी बात आज से ही शुरू करोगे? ठीक है बाबा जी। आज तुम्हें बिहारी ने क्या कहा था? ओ बाबा जी आज इसने मुझे चाय पीने के लिए कहा था। तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? जी कोई परेशानी नहीं, सच्ची बात तो यह है कि इसकी चाय बड़ी अच्छी होती है क्योंकि ये उसमें अदरक डालता है। तो फिर दोनों मियां बीवी इधर आ जाओ जी और चाय पियो। बाबा जी आपने तो झगड़ा एक मिनट में निपटा दिया। अरे झगड़ा था ही नहीं, खामखा लोग पुरानी बातों को कुरेद कर लड़ रहे थे। ये बीमारी सिर्फ तुम दो घरों की ही नहीं है, ऐसे कई ग्रुप कई फिरके हैं जो आप ही की तरह कुछ पुरानी बातें कुरेद कर लड़ते रहते हैं। अरे मेरा बस चले तो मैं इस तरह के भारी पत्थर हर दो लड़ने वालों के दरमियान रख दूं, लेकिन सवाल ये है भाई कि मैं इतने भारी पत्थर लाऊं कहां से? अगर जरूरत हो बाबा जी तो ये पत्थर उठवाकर ले जाइए, हमें अब इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन बेटा मुझे है, मुझे इसी पत्थर पर बैठकर चाय पीनी है। क्यों बाबा जी? ताकि तुम्हारे दादा इसके नीचे से उठकर बाहर ना आ जाए। ये थी हास्य नाटिका भारी पत्थर। इसके लेखक दलीप सिंह, निर्देशक कमल दत्त, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।